तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एडमिशन और एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। तो ये कब से स्टार्ट होने वाला है और कोर कमेटी के मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये है अमर उजाला की एक रिपोर्ट जिसके द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है। तो इसमें लिखा गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों से होगी प्रवेश की शुरुआत। तो प्रवेश की शुरुआत होगी प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों से। तो ये रिपोर्ट मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूँ क्या है। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेशनल पाठ्यक्रम से नए सत्र में प्रवेश की शुरुआत होगी। हालांकि कुछ चुनिंदा पाठ्यक्रमों में ही प्रवेश ली जाएगी। मंगलवार को हुई प्रवेश प्रकोष्ठ की कोर कमेटी के बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। कुलपीठ से मंजूरी मिलने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो की जाएगी। कोविड-19 के मद्देनज़र यह भी तय होना है कि प्रवेश मेरिट से लिए जाएंगे या परीक्षा कराई जाएगी। बैठक में स्नातक एवं परास्नातक में प्रवेश को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है और केंद्र सरकार ने इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के माध्यम से भी सभी केंद्रीय विद्यालयों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। हालांकि अब तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ना तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है और ना ही प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर कोई कार्यक्रम जारी किया गया है। प्रवेश में देरी के कारण नया सत्र समय से शुरू किए जाने को लेकर चुनौती बढ़ती जा रही है। NTA की ओर से कुछ भी स्पष्ट न किए जाने की स्थिति में अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने स्तर में प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रशासन ने अपने अंदर ही प्रवेश परीक्षाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। क्योंकि NTA के द्वारा अभी तक कुछ भी मतलब स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है। इसके बाद लिखा गया, इसी पर चर्चा को लिए मंगलवार को प्रवेश प्रकोष्ठ की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। तो मंगलवार को इसी पर चर्चा के लिए मतलब बैठक बुलाई गई थी कोर कमेटी के। तो हालांकि बैठक में स्नातक और परस्नातक में प्रवेश को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका। फिलहाल यही माना जा रहा है कि स्नातक और परस्नातक के प्रवेश परीक्षा NTA के माध्यम से होगी। अगर NTA परीक्षा नहीं करती है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करेगी। बैठक में तय हुआ ये UG और PG को कुछ चुनिंदा प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने अनुसार प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू किए जाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। कुलपीठ से मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि UG और PG के जो एडमिशन है वो स्टार्ट होंगे। तो इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है, ये कुलपीठ के मंजूरी मिलने के बाद जुलाई के अंत तक इसका शुरू हो जाएगा आपका फॉर्म फिलअप। और एंट्रेंस का जो फॉर्म फिलअप और एडमिट कार्ड होगा वो अगस्त के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।